क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एड वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा वो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे तो हम लेट कर लेते हैं क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू देखो थ्री रेसो वन गिवन है तो हम थ्री एक्स जो है क्वांटिटी मान लेते हैं मिल्क की है फिर वाटर की कितनी हो जाएगी देन The quantity of ऑफ वाटर विल equal टू वाटर देखो थ्री रेशो बना है, तो ये एक्स हो जाएगा हमारे पास और टोटल तो क्वांटिटी की टोटल क्वान्टिटी बना हमें वन ट्वेंटी अब देखो टोटल क्वांटिटी किससे मिलकर बनी होगी मिल्क प्लस वाटर से तो थ्री एक्स प्लस एक्स तो थ्री एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी है हमारे पास यहाँ से फोर एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी लीटर्स तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन ट्वेंटी डिवाइडर से काटेंगे 3 और टाइम चला गया तो से X की जो वैल्यू आ आ गई वो 30 आ गई वो लीटर हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो तो थर्टी लीटर है और मिल्क कितना हो जाएगा थर्टी इंटू थ्री करेंगे तो नाइनटी लीटर ठीक है अब हम मान लेते हैं कि हमें वाटर ऐड करना है उसमें और ताकि रेशियो वन रेशो थ्री हो जाए तो हम मान लेंगे कि वाई लीटर वाटर हम ऐड करते हैं तो रेशियो वन लेता let वाटर added बी हमने देखो वाई लीटर वाटर एड कर दिया सच दैट सच दैट रेशियो कितना हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो वन रेशियो थ्री हो गया तो मिल्क तो देखो एड हमने किया नहीं कुछ भी तो नाइनटी लीटर पहले था भी 90 अब भी नाइनटी रहेगा अब वाटर पहले थर्टी लीटर था अब उसमें वाई लीटर हमने एड कर दिया तो रेशियो वन रेशियो थ्री हो गया ठीक है हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी लीटर इज इक्वल टू वाई तो हम कह सकते हैं दो सौ सत्तर में से तीस के दो सौ चालीस बचेंगे टू फोर्टी लीटर इज इक्वल टू वाई वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई टू फोर्टी लीटर तो हमने माना था कि हमने टू वाई लीटर जो है एड किया है वाटर तो हम कह सकते हैं कि हमने कितना लीटर वाटर ऐड किया 240 लीटर ऐड किया ताकि ऑप्शन तो कि में गिवन है so 12 से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर